अन्नदाता आंदोलन का 55वां दिन आज सिंघू बॉर्डर पहुंची दिल्ली और यूपी पुलिस, ट्रैक्टर रैली पर मनाने की कवायद जारी। अन्नदाता और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक टली, अब 20 जनवरी को होगी वार्ता। नए कृषि कानूनों और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर होगी बैठक। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी की पहली बैठक आज, केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए कमेटी का किया था गठन। लखनऊ का 2 दिवसीय दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंचायत चुनाव और संगठन को लेकर होगी बैठक। कैबिनेट फेरबदल पर हो सकती है चर्चा। पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस और डीएमके गठबंधन पर सियासी संकट। डीएमके नेता जगत रक्षगण ने कहा, उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में सभी 30 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को दिया विराम। नए मंत्रियों के नाम पर बनी जेडीयू बीजेपी में सहमति, 2 दिनों में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, 50,000 वोटों से ममता को हराऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा राजनीति। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी में शक्ति प्रदर्शन की होड़। खेजोरी में शुभेंदु और पुरुलिया में ममता की रैली। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में की थी सभा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का लिया फैसला। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर। आज से जारी हो सकती है आरक्षण नीति। ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य में चक्रानुक्रम आरक्षण की हो सकती है व्यवस्था। वॉशिंगटन में 21,000 नेशनल गार्ड तैनात। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा के लिए किया इंतजाम। 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की लेंगी शपथ। अमेरिका में नहीं हटेगा यूरोप। ब्रिटेन, आयरलैंड और ब्राजील से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की घोषणा। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया है प्रतिबंध। अमेरिका की निवर्तमान प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने किया विदाई संबोधन। अपने संबोधन में मेलानिया ने किया एकता का आह्वान। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सभी प्रयासों के लिए देश को दिया धन्यवाद। जनकोविस की लिम्बिया के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्ति। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरस ने किया नियुक्त। कोविस ने इससे पहले लेबनान के लिए साल 2019-21 में संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक के रूप में किया है कार्य। WHO चीफ की चेतावनी, निष्पक्ष हो कोरोना वैक्सीन का वितरण, नैतिक विफलता के कागार पर है दुनिया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा, जल्द हो सकती है यातायात उल्लंघन प्रीमियम की शुरुआत। बीमा नियामक IRDAI के एक कार्य समूह ने की यातायात उल्लंघन प्रीमियम की शुरुआत करने की सिफारिश। टोटल ने अडानी समूह के साथ $2.5 अरब का किया समझौता। AGEL में 20% हिस्सेदारी की हासिल। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा, हम भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को तैयार। गंगूबाई की शूटिंग के दौरान बिगड़ी आलिया भट्ट की तबीयत, राहत मिलने के बाद हुई डिस्चार्ज। हाइपर एसिडिटी की हुई थी परेशानी। तांडव के मेकर्स ने मांगी माफी, माफी के बाद भी नहीं थम रहा बवाल। तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में दी मात। 4 टेस्ट मैच की सीरीज पर किया कब्जा। 91 रन बनाकर शुभमन गिल बने मैच के स्टार।